था सियाबा को, उनको फरमाया कि फलां जगह जिहाद के लिए जाना है तो जुमा वहां जाके पढ़ना। ये लोग जो मुफ्त के लाडले नहीं बन जाते फ्री के, नहीं जी नहीं मेरा इश्क नहीं इजाजत दे रहा। भाई तू तेरा किस तरह का इश्क है, तू बात मान कि ना मानना इश्क है जी मैं लाडला होता हूँ, ये किस तरह का लाडला। लाडला तो वो होता है जो ताबेदार होता है, जो अबरू का इशारा समझता है। नबी करीम ने फरमाया सियाबा से, फरमाया जुमा वहां जाके पढ़ना। बहुत सारे लोग चले गए तो चंद लोग रह गए। जुमे की नमाज के बाद हुजूर ने पूछा गए नहीं, अर्ज की हुजूर दिल में ख्वाहिश आई थी कि इतना बड़ा जुमा कैसे मिलेगा बरकत वाला, तो यहां जुमा पढ़ के चलते हैं ताकि हमें इतने हमारे नसीब खुल जाए कि हुजूर के पीछे जुमे की तौफीक हो जाए। हुजूर प्यार बड़ा था, आपकी इक्तदार में जुमा पढ़ना था। पता है लफ्ज क्या है हदीस के, हुजूर फरमाने लगे अगर तुम मेरी बात मान के वहां जाके जुमा पढ़ते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की ये ख्वाहिश रही, हुजूर का ये जौक रहा। उस जौक के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम अक्काज की मंडियों में भी गए, उस जौक के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम मेलों में भी गए, लोगों को खड़ा कर करके रोक रोक के कहा दीन कबूल कर लो।